इस बारे के फिर जा चुका है ना बंदे भी कुछ तो दोस्त ही लगे I'm
राजा सगीर साहब साढ़े दुर्गा जाइए जुतियां ने नौकरियां कोई ऐसी गल नहीं। यह सारा मुर्शद खाना है, इसना सबूत राजा साहब दे सकने, मुहारत साहब दे सकने कि इन्ना माड़ को फेरा नहीं किया, ना मैंने कह तलब की कि तुम एक माड़ फेरा करो। यह गल है जी, खान साहब और 10 फेरे भी निकलवाए 2 साल पहले भी था जी, ठीक है। इस तू पहले जो कुछ होएगा छोड़ दो, तो जितने आए हो
ना माड़ी कबराई कुसा जाना ना खान मुश्तबा नी कबराई कुसा जाना इस परे मजमे च कोई जाना एक उठी ताकि जोड़ा इसकी माड़ना सज्जा बैठे तकिया किसे कुसा तकिया गल ही इस तू बाद स्टेज हूं बनी के दो ओ भी राजे सुवीर साहब ने हुक्म ने मुताबक असा आख्या जी तुसन सिरा किया हुक्म साईं खलास साहब आख्या मुबारक साहब आख्या सा इन्होंने जज्बात की कदर की असा गल की वह ठीक है जिस तरह तुसा नहीं तमन्ना ही फिर इना की असा पहली बजासा तुसा बजाओ शेर आज तू पहला को जाना है दसा है जड़े मंडल बेच पहला शेर पढ़िया वह मैं मुजरम तुसा जुतियां माड़ा शेर ठीक है शेर आ रही मैं जड़े की इजाजत देना है शेर ही पहला पढ़ा लेकिन जड़ा होना जरा दो चार मन ठीक है तो मनाया भी ठीक है ये सारा तहारा पहली गल ऐसा नहीं भरा असा चलो किसी वजह न लगर असा इस ऐसा मौजू बनी गया ना साड़ी ना को बाड़ी सांझी है ना कोई साड़ा इन्होंने को रिश्ता वास्ता है गल ये शेर पढ़ने असम शेर पढ़ने सा अच्छे पढ़ी गई गल के जिले बंदा त्रै चार अपनी बनाया दिख तो मननी चाहिए ना एक फेरा मैं नहीं लवाया फूना बिना खैर मैं अज तुसन सामने हाजिर हाँ तोए खालसे नगरी च राजे सुवीर साहब ने हुक्म दे मुताबक जेड़ी के तुहाड़े इलाके सारे नी पहचान है इस हस्ती असा की फखर आ इतनी जानी पहचानी हस्ती असं फखर आज की वजह ना सागर जनाब असा हाजिर हो गया ठीक है हूं कोई कराउ नहीं लगे मैं इतना जी बह गया तो मैं इतना ही बैसा अगर मैं शेर पढ़ने हो तो मैं इतना ही बैसा वो था बैठे वो आज तू पहले मारे नाल उधर ही मुंह करी पढ़ने रहे एक बारी मैं भी एक गल आखी तुसा उधर मुंह करो जद मैं नहीं आखा तुसा को बैरिस्टर लगे जे उधर मुंह कर नहीं की मैं उधर मुंह करी शेर पढ़ना मैं बही गया तुस बही गयो जो कुछ तुस जानने लोगों को सुनाई छोड़ो जो कुछ अस जानने नाकस जिन्हें नीचे वह सुनाई छोड़ो इतनी आवाम आई खुश जाए दोस्तों तमाम तार तारीफा मेरे मालिक ने तमाम तार तारीफा मेरे अल्लाह मियां ने नाम जड़ा कायनात ना पालना जड़ा बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है जिहड़ा क्यामत ने दिन ना तला मालिक है असी सारे उसकी इबादत करने और उसने कोलू मदद मांगने और दवा करने मालिक असा सारियां की सीधी राह नसीब करदा इलाही असा की उन्हां लोकां दी राह नसीब फरमाया जिन्हां लोकां पर तेरा इनाम होया इलाही असा की उन्हां लोकां दी राह तू बचा जिन्हां लोकां पर तेरा गज़ब होया सारे दोस्त आमीन मुअज़्ज़ज़ सामईन मेरी तरफों असानी पूरी पार्टी की तरफों मुहब्बत नाल चाहत नाल पढ़िया वा अस्सलाम वालेकुम बाद सलाम मियां साहब सरकार ने फरमाया कि मेरे नालों हर कोई बेहतर है जबानी जमा हाथ में मेरे नालू हर कोई बेहतर मैं नीच आ जाना थोड़ा बहुता शेर सुबंदा घाटा वादा जा और खास खास जिन्ना कदर ना मेरा वाला खास खास जिन्ना कदर ना मेरा साहेब नू वड्याइया मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा है बैल चढ़ाया साया जिस तरह भाई श्याम साहब ने फरमाया कि इन्हां भाई उन्हां नाल कोई साड़ी बाड़ी नहीं सांझी इन्हां नाल मारा कोई रिश्ता नहीं लेकिन मेरे इन्हां नाल दो रिश्ते सब तो पहला रिश्ता के ए मेरे नबी ने उम्मती है
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਨਬੀ ਨੇ ਕਲਮਾ ਗੋਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਔਰ ਦੂਈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਉਸਤਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਟੇ ਕਰੀ ਖੜਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਣੇ। ਸੁੱਟਾ ਮਾਰਨੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਛੜਨਾ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਬਲੇ ਸਾਦੇ ਦਰਾਮੇ ਮੰਦਰੇ ਨਾਜ਼ਮ ਰਾਜਾ ਦੁਲਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਨੇ ਸਾਜੇ, ਰਾਜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਈਂ ਅਖਲਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਸਲੇ ਘਰ ਅਚਣਾ ਉਸਲੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਦੇ 10 ਵਾਰ ਮਾੜੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਮਾੜੇ ਘਰ ਉੱਪਰ 10 ਵਾਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਇਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅਛਣੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਗੁਰਬਤ ਰਾਜਾ ਦਾ ਸਭ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੌਲਤ ਨੇ ਅਰਜਾ ਵਿਗਾੜ ਪਾਏ, ਇਨਕਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮਗਰੂਰ ਲੈ ਗਈ, ਨਿਕਲੇ ਪਰਪੁਰ ਦੇ ਚਾਕਰ ਮੈਂ ਸਾਖ ਤਾਈ ਉਸਨੂੰ ਭਰਦਾਰੀ ਸੋਏ ਤਨੂਰ ਲੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕੋ ਨਾ ਜਿਸ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲੇ ਹਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਡਣੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉੱਡਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਸਦਾ ਤਨੂਰ ਬਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਾਲੀ ਛੋੜੀਆਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸਗਲਾਂ ਪੂੰਡੀਆਂ ਛੂੜੀਆਂ ਨਿਕਲਣ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਪੂੰਡੀਆਂ ਉਸੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਵੀਂ ਗਜਾਂ ਦਫ਼ਤਾ ਦੋ ਨਹੀਂ ਅਛੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਡਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਤਨੂਰ ਵਿੱਚ ਵਿਛੀ ਪੈਣਾ, ਨਿਕਲਣ ਪਰ ਪੁਰਜੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾਕ ਤਾਈ ਉਸਨੂੰ ਪਰਦਾਰੀ ਸੂਏ ਤਨੂਰ ਲੈ ਗਈ। ਹੈ ਫਿਤਨਾ ਦਾ ਐਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਫਤੂਰ ਲੈ ਗਈ, ਅਜ਼ਰ ਨਫਾ ਕੀ ਐਸੀ ਤਵੰਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਵਾਦਾ ਮਾਦਾ ਯੋਗ ਜੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਬਾ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਜਿਸਲੇ ਥੋੜਾ ਕੁਰਾਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸਾ ਲੈਣੇ ਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਬਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਏ ਸਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਸਾਦਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸਟੇਜ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਖਤਰਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਕੌਣ ਬੋਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਬੋਲ ਸੋ ਛੇੜ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਬੈਠ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅਛਣਾ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਿਗੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅਛਣਾ ਮਿਗੀ ਦੋਸਤੋ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਛਣਾ, ਮਿਗੀ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਅਛਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਦਵਾ ਕਰਨਾ ਮਾਲਿਕ ਕਿ ਮਾੜੇ ਕੋਲੋਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਨੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦਵਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਈ ਗਿਆ ਸਰ, ਭਾਈ ਸ਼ਿਆਮ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਿਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਮਰਤਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਨੇ ਮੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਤੁਮ ਕਰਤੇ ਨਹੀਂ ਵੋ ਕਹਤੇ ਕਿਉਂ, ਕੌਣਾ ਹਣਾ ਸਾਡਾ ਕੁਰਾਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸਤੋ ਭਾਈ ਅੱਛਿਆ ਮਰਾਂ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸਾਂ ਭਰਾ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਕਰ ਦੋ ਹੈ ਨਬੀ ਨੇ ਉਮਤੀ ਤੇ ਫਤਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹੱਥ ਚ ਆਇਆ,
जिसने मुफ्ती साहब ये गल आके कलमा पढ़ो दोबारा निकाह पढ़ो इसने माड़ी को गलती नहीं ठीक है तुस नबी ने उमती हो मैं कड़ा आख्या तुस ने हो ये मुफ्ती साहब आख्या दुए ने मैं गल इसनी क्या वजह के तुस खबे बैठे हो तुस थोए लथे हो तुस आख्या जी तू बाद खबे नहीं बैठा एक मिनट जी ये गल आवाम नाल फैसला करती आवाम सारे जने छोटे आवाम फैसला करी जुड़ती है था माड़े नाल गल हुई कि स्टेज इस तरह लग सौ और इस तरह पढ़ना मेरे दोस्तों बुजुर्गो भाइयो अस्सलाम वालेकुम जिस तरह फैसला होया सा असं तो कदम शेर ना पुजे तो ना कद गए तो ना तो क्या किस तरह बोल रहे हो साई माड़े को आए कलम कलम नबी और आए अपना मुबारक और आए माड़े को असं मंदिर गए असा इन गलबात छड़ी हुई एक दफा हुई दूसरी दफा हुई कि भाई ये मनने नहीं कि असं मैं शेर बोल सोच असं ने किता जी किता जिस तरह भी किता भाई फैसला ये होया कि स्टेज दो लक्षण आमने सामने भी शेर बोल सकते मुंह दो ने आमने सामने उस इसका फैसला जी कुछ गए साई जी मैं इन्हें किया भाई माड़े उठले पर चलो ठीक सागरी ये गल हुई जी इख्तिशाम की बुलाई कहने तो नाजम साहब भी असन चेयरमैन जुल्फकार साहब साईं तारक हो भी आमने सामने सारे बीच तक गल मकई गई सर आया तो शाम भी इस गल पर राजी हो सी या ना हो सी सही ने वो माड़ा काम है उसकी राजी करना ये गल जी हूँ गल जी है वो सज्जा पी रहा ये खब्बे पी रहा हूँ मिगी इस गल नहीं दी मैं तो जाना भाई दुए मुँह आमने सामने करो तो लोगों की तमाशा दसो एक दो शेर बोली तो फिर जिस बैठे हुए सब पी कोई फर्क नहीं पैना अपना कलाम अपनी ताकत का मुजहरा करी मैं आदम अलैहि सलाम सरकार का पुत्र हाँ इबने आदम होने नाते ना बंदे को बेशुमार मिस्टेक हो जानियां ये बाकी नहीं बोलने मेरे दोस्तों इबने आदम होने नाते ना बंदे को जहर है बछरी तका दे नाल मिस्टेक हो जानियां तो मेरे दोस्तों जिस तरह ही ना फरमाया कि कदा तुसा नबी ने उम्मती होने वार तो ये फतवा तुसा ना किया हो यार ऐ माड़े को भी इसने राजी जी फतवा पे आवा अगर उन्हें मुफ्ती साहब माड़े पर फतवा लाया तो उन्हें मुफ्ती साहब अगू भी गल आ गई कि तुसी मुसलमान हो अल्हम्दुलिल्लाह मैं गल करना इन्हें फतवा सामने पेश किया तो मैं भी फतवा पेश किया राती असें पता लगा जी तुसा पर कुफर ना फतवा लेई गया असा मुफ्ती साहब को चले गया असियां मुसलमान अल्लाह ने बंदे आ अगर गलती हो जाते असि रजू करना ले लोगा असा वो नहीं है कि डेढ़ साल बाद बंदा है ठीक है जी असा को गलती हुई है ना डेढ़ साल बाद नहीं उसे लै जिस लग महसूस किया कि मैं मिस्टेक कर गया मेरे को गलती हो गई आखिर रब्बा ना ज़लम ना हुसना वा इल्लम तक फिर लना वतर हम ना ला नकून ना मिनल खासरी राजगीर साहब ने फैसला तो मैं मुंह उधर करी ना अगर राज साहब ने फैसला तो मैं मुंह उधर करी ना दोस्तों कोई मामला नहीं राजी कुसा ना कोई आसान नहीं आसान मालिक करीम ना जी सा संतों की मुलाकात करी हां दोस्तों हर वरी बंदा अगर मुंह तोर खाना काबा शरीफ ने अल्लाह हु अकबर तखो जी नहीं गल ते ड्रामा है या शेर है ये
मेरे जनाब ठीक है, राजे सगीर साहब ने हुक्म ने मुताबक राजे साहब एक मिनट बाद छोड़े आए। तुसाने हुक्म ने मुताबक ये दोस्त है, तुसाने हुक्म ने मुताबक लगे ठीक है। दूए नंबर खेड उन्होंने पहला बची तुसाने मर्जी मुताबक ये दो गल्ला उन्होंने आ पहला शेर पढ़ना सी उन्होंने मर्जी ने मुताबक ये गाली स्टार माड़ी स्टार ना जोड़ी शेर पढ़ सो पहला ये माड़ी है बख बख ड्रामा नहीं होना सारा बराबर हो सौ स्टार साढ़ी सतारा ने लोसी शेर पढ़ पहला शेर पढ़ मेरे दोस्तों इतना बड़ा मजमा आया वा फैसला साढ़े मजहब ने आया अल्लाह ने जात फरमानी के चाली बंदे जिसलै कट्ठे हुई कठने उन्हें बिच एक अल्लाह वाला जरूर होना चाली बंदे जिसलै कट्ठे हुई कठने उन्हें बिच एक अल्लाह वाला जरूर होना। अरे दोस्तों इतना बड़ा मजमा है इतना बड़ा मजमा है पता नहीं कितने अल्लाह ने वली इसे भी मौजूद हो सन इतों ही शरीफ नहीं बस्ती है मेरे रूहानी उस्ताद चौधरी मोहम्मद अकरम गुजर अल रहमत सरकार में मुर्शिद खाना और ही कौर मेरे शेर खान पुरा राजा गुल खान साहब और साई महफूज साहब त्रय फकीर मनश बंदे हुए और इस इलाके रखते हैं मन क्या लेना चोई साहब ने तलक था लेकिन मुर्शिद खाना सरकार ने अच्छा था और सरकार फरमाया था कि मेरा पर्दा करने तो बाद अगर मेरी तुरबत तुसा की थी मेरी कबर की थी इतना थोए शेर विच करे मैं तुसा सारे पुरां गया अर्ज कर सा कि एक दफा अलहमद शरीफ ते त्रै दफा कुल शरीफ पढ़ी ते सारे लोग उन्हां दी रूह वास्ते साले सवाब वास्ते दुआ फरमाओ सारे قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام من توفيته منا فتوفه على الايمان ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਲਿਮਾਤ ਅਸਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਲਾਮ ਕੀ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਅਕਦਸ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਲਈ ਇਸ ਕਲਾਮ ਪਾਕ ਨਾਲ ਸਵਾਬ ਹਦੀਆ ਤੰਗ ਤੋਹਫਾ ਤਾਂ ਅਕੀਦਾ ਤੰਗ ਮੁਹੱਬਤ ਤੰਗ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਿਬੂਬ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰਗਾਹ ਬੇਕਸਤਨਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਬੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਅੰਬੀਆ ਅਲੈਹਿਮ ਸਲਾਮ तमाम सहाबा इकराम रिजवान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने अरवाए मुकद्दसा की पेश कर रहे हैं इलाही कबूल फरमा इलाही आदम अलैहि सलाम तो लेके आज तक जितने मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात दिन में पर्दा फरमा गए ना सारे की इस नबू इस ना सवाब इस साल करने हैं इलाही कबूल मंजूर फरमा इलाही इस कलाम पाक ना खसूसन सवाब उन लोगों वास्ते पेश कर रहे हैं जिन्होंने दुनिया पर कोई दवा कर रहा है अल्लाह पाक असा सारे ने अपने महबूब ने वसीले नाल इलाही असा सारे ने गुनाह माफ फरमा सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़े नूर अर्शी मुहम्मद वाल बैठे हुए रहमत की दया फरमा। तो मेरे दोस्तों अच्छे वाले चंद मिनट सा दिनों से उन्होंने के बाद इंशाल्लाह लाजिम का अपने शेर फरमा
इस बात थोड़ी देर सा जिला सोचो जिन्होंने ये बोलो सन के शाहबाज करे परवाज ते जाने राज दिला दे थोड़ी जी देर ते साधो सन ते उस बाद इंशाल्लाह सारा भी साड़िया मिल सन जिस तरह के गल की थी खेड़ बच्ची उस बाद मेरी और खान साहब ने सारा जोड़ सन पहला शेर पढ़ता त्रै गल्लां इन्हां एक साड़ी ठीक है राज साहब शाहबाद करे परवाज से जाने राज दिला दे वाह पुनिया वाह करता
ਬੰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਕੋਲ ਜਾ ਨਾ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਰਜੂ ਕਰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾਓ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ Thank you.
Thank you.
नहीं जनाब, शेर सरकार मास्टर ने सर साहब ना तो सरकार आने के हम दिए खुदा से आधार क्यों के क्या क्या दूसरी तुम्हें महफल आजाद करना क्या हम दे खुदा से आधार क्यों के यार महफल Hey,
सजो ये निगाह करम की करना है जब मौलाई और कलबेलिया और से और मौजू लुकती है और से और मौजू लुकती है मानू काफिया मौजू प्रदीप मिश्रा ये धन के बदल पूछा के हर तू
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਦੰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੁਖਨ ਸ਼ਨਾਸ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲੇ ਫਿਕਰ ਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ दमा का जेड़े को मन करते खाफरे को दम का जरूर जाते सरकार राज साहब इस फरमाने सजदे गुजारिए चार लख सजदे गुजारिए चार लख सरकार ना
ਨੇ ਮੌਲਾ ਪਹੁੰਚਾ ਜੀ ਅਸ਼ੇ ਬਰਹੀ ਉੱਤੇ ਤੱਕਾ ਨੇੜੀ ਆਦਰ ਮੇ ਕੁਦਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਯਕੀਨ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਰਾ ਰਾਜਾ ਵਲਾਇਤਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸਾ ਫਰਮਾਣੇ ਕਰੀਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦਾਤੀ ਕਰੀਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦਾਤੀ ਅੱਗੇ ਆਦਮ ਦੇ ਫਤਵੇ ਆਹ
ਸੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਰਾਜੇ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੁਖਨ ਦੀ ਲਾਇ ਉਹ ਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸੁਖਨ ਦੀ ਲਾਇ ਉਹ ਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਸ਼ਰੇ ਜਨੂ ਦੇ ਆਦਾਬ ਜਾਣੇ ਪਦਰ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਦਰਦੇ ਆ ਕਹੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਕਰਬੋ ਇਸ ਤਰਫ ਜਾਣੇ ਨੋਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਗ ਬੀਂਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਹਾਂ ਰੂਹ ਬੋਲਣਾ ਹਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਦਾਨਾ ਖੌਰ ਜੋ ਸਤੂਰੇ ਹਵਸ ਮਾਰੇ ਡਿੱਗਦਾ ਆਸਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਬਾਤ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਦਾ ਜਿਨਸ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਆ ਜਿਨਸਾਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਉਤਾਰ ਕਾ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਆਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਗਿਆਨ
जो चाड़े है दुश्मना ने, तुगयान जो चाड़े है दुश्मना ने, मैं बैर हंगाल नहीं जानता। उसका करम है जिसने तौफीक बख्शी, सितम सबर संगकाल नहीं जानता। अगर लव यख बस्ता जो मुदता दे नजर नाल उबाल नहीं जानता। सरकार कहने अजन सर नीमा तुगयान दाए, किश्ती भी कदा तकवा मेरे दोस्तों तो समंदर में पर तैरनी जा रही है, भावें कितना ही तूफान किया ना, लेकिन किश्ती उसने सिरे पर बैठी कर रही है। अजन सर नीमा तू ज्ञान दाए, चढ़ी कल भावें किश्ती ले जा, पर उतरी मौज दी ओन सी जतन ता भी मल के कल दरिया दा बह जा सी। ए नी हमने कंडी पर गोली खाई मोया छाती खाई मर सी। तो मेरे दोस्तों तारिका बंसल सरकार ने खेला बड़ा काबिल, जितनी मुहियां बंद करने की कोशिश करने, जिधर कसरी अल्लाह करीम दा मुहियां खोली चल रही। आजमाइश ने करी है सख्त जितनी, उतना ही करना भी उस मेरे करीम दाए। ये सारा कुछ नहीं, मैं कमजोर हूं, जोर नहीं कोल मेरी, खादम हां है पर ताकतवर आंदा नहीं, मेरा रब बहुत बड़ा है। महबूब दे जोर उत्ते कायल नहीं परवाज नहीं पराना, सारिया कितने दूर जंग लड़ने पे आखिया सारिया पहाड़ की जा रहे, मेरा रब चाहे तो क्या, तू क्या कर रहे, एक कोशिश कर रहे हैं जी, इस तरह कर रहे हैं, इन कर देनी उन कर देनी, आजमाइश निकली है सच निकली, बहुत नहीं कर रहा भी उस मेरे अपने दीन वास्ते कबूल मंजूर फरमा। तो सरकार इंतजा करने आए मेरे हाल विच फलल शमार करके, मेरे हाल विच फलल शमार करके, ओ दित्ता मकसद उस यार, मेरे हाल विच फलल शमार करके, ओ दित्ता खुदा फरमाया नबी ताई केड़ी गल के तू बहुदारियां कितिया, तेरी अखे ने आड़ जारी हो गए, उस वास्ते केड़ी सजा है के जेड़ा मेरिया ही नेमत नाल ऐ शीत करे तो फिर मेरा ही मुनकर हो, मेरे ही हुकुम इनकार वह। तो दसने आजादी आख्या क्या मेरे मौला, जेड़ा तेरिया नेमत तू ऐ शीत करी तेरा इनकार करे, ਉਹ ਲਾਈਨ ਪਰੀਤ ਕਰੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਚ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੁਦਾ ਜਦ ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ
तहरीर कर और सीध बनाई जिम्मे रखी गई, क्योंकि माल के दोनों जान पता थी ये या फिर इनकार कर दी। खुदा पेश किया
खुदा फरमाया अजा दिल साई थके आए लारिया अदू बाईद कर गए की सदा जो करे इनकार मेरा मेरिया नेमत सी ऐश ईद कर गए अजा दिल के आता कलानता दा थकया जावे नहीं फलीद करके अगर रब फरमाया अगर दिन ताई शर तहरीर ते रख ले रसीद करके सरकार राजा बलाचंद साहब कैसे फरमाने मरहबा अगर तेरे आवड़े तू एक निदा
ਆਇਆ ਉੱਠੀ ਫਰਿਆਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ
राजा बलैत सफर अगर इसरा फरमाने
माजरत ने गल बनी पेगी पहला माजरत अगर मेरे पर फतवा ला वो तो दिसी रहा लेकिन नवाज आतिश पर भी फतवा ला मेरे दोस्तों वो किसा की नहीं दिसिया नवाज आतिश सब वो शायरे जिन्हों पर कुफर और इर्तदाद ना फतवा ला बादी गौ ने भी तोबा करके दी लेकिन उन्होंने भी फतवा लाया सा माड़ा तो फतवा सारे की दिसी रहा पर उन्होंने किसा की नहीं दिसिया मेरे दोस्तों एक गल जरूर याद रखी आई चौधरी मोहम्मद अकरम गुजर रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार ने साढ़े पर आसान जरूर है लेकिन साढ़ा उन्होंने कोई नहीं इस वास्ते उठने वजह यह है मेरे दोस्तों लकड़ी ना लोहा प्यादा ना जोड़ा उन्होंने ना ना लासा नहीं पहचान बन गई ऐ चौक पंडोरी ना नम ग्रां राजा मोहम्मद अशरफ साहब इस दुनिया तो पर्दा फरमा के सारे उनके नाम आखिर से मैं गल जी बन ला हकीकत बात मेरे दोस्तों मामा अशरफ इस दुनिया तो पर्दा फरमा गया और सच्चे रास्ते पर ऐसा झूठे बना असा ना सा जानने के नवाज आते साहब कौन थे कौन नहीं साला शेरखानी ने नवा नवा दवाना असि चौक पंडोली बैठे हैं इस चीज ना गवाह पट्टी जवान जरा कुछ ना तल्लक रखना जरा फौजी जवान वो बंदा इस चीज ना बखूबी गवाह भाई जुबैर साहब और भाई नसीम असा सारे इस चीज ने गवाह मेरे दोस्तों नवाज आती साहब बेने सारी असलाफ ने कायल नहीं आओ साईं अहमद अली रानी रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार पर मुना साहब पर दायम साहब पर कितने आ गए पता नहीं क्या क्या बाणा शुरू करता असन तो जान नहीं ना मेरे दोस्तों फिर तुर के इच्छा बात आ गई कि माया अशरफ के लिए जनरल सिंह करा उन्होंने क्या आते नहीं पता लगा ओए तू चौधरी अकरम ने पीछे भी लगा रहे मैं सुनिया कि तू खत लिखिया के दायम इकबाल ना वो शेर ठीक था मैं पीर मेर लिखा साहब ने किताब पढ़ी कई लोग चौकों ने अंदर मौजूद है जो नवाज आते साहब ने खत पढ़िया वो लोग गवाह मेरे दोस्तों नवाज आती साहब वो शायर है जिन्हें मेरे उस्ताद ने इज्जत पे हमला कर दिया मैं ना समझना है बंदा कौन आती साहब उठी दा नवाज आती साहब कलर चले गए तब मैं मां अशरफ को पूछा मामा ये कौन है बंदा इस वास्ता कैसा जानने ना अहम लाई जी नवाज आती साहब शायर है जिन्हें मेरे उस्ताद ने इज्जत पे हमला कर दिया और अहम ला चौधरी अकरम बकवास करना रहा नाऊज बिल्लाह मिन जाली याद रखो मेरे दोस्तों मेरा उस्ताद एक फकीर बंदा था जिस सारी जिंदगी इस फन की मोहब्बत तक पेश की था अपने बच्चियों की था वो बर्बाद कोई लालच नहीं था और जो बंदा फकीर ना टक्कर लाना अल्लाह की जात आखनी मेरा दुश्मन उसने नाल मैं लाने जंग कर दिया उन्हें कि अल्लाह करीम उरूज ना ओ मकाम दे दिता के चौधरी मोहम्मद अकरम गुजर रहमतुल्लाह ताला अलैह लोका नवाज आती साहब वही जिन्हें पर कुफर और इर्तदाद ने फतवे लगे मैं दोस्तों उस लमे यार यकीन करो मौला मुश्किल कुछ आना पीड़ा उस लमे उठे हैं तो मैं दिल भी जला था कि ताकि आज तो बाद मेरे इस मुंह जूस नवाज आते हैं शेर नहीं बारे चुना इस वस्ते के मेरे उस्ताद में मुन का सारी जिंदगी जिथा खाना उथा पिशाब करना जिथा खाना उथा पिशाब करना मैं दोस्तों माड़ी रहती जिंदगी पता नहीं कितनी है साल दो चार साल लेकिन मैं अल्लाह ने हजूर वादा करना कि इस नवाज आते शेर मेरे मुंह से बाहर नहीं छोड़ा इस वास्ते कि जो बंदा दुनिया तो पर्दा फरमा गया अगर उसने अच्छाइयां नो बयान कर सकते उसने बुराइयां मत करो और मैं सदा करना है मैं इस तरह करना है जो लोग चौधरी अकरम साहब ने मुहब्बत करनी हो शेर पढ़ने वाले जेड़े खास कर गए उन्हें की चाहिए नवाज नवाज आते हैं शेर तो परेज कर असं दोनों पर फतवा लगा और क्या मुफ्ती साहब ने फतवा दिया उन्होंने भी मारे बने असं यूं ही पता लगा राती असी नस्ले आदम जिसलै पता लगा कि साढ़े को गलती हो गई यकीन करो असी रुजू कर लिया तौबा की और कलमा पढ़ लिया कि मेरे मालिक असं को मिस्टेक हो गई बशरी दुका देगा ना समझाने एक जरूर सलाम पेश होनी सी असं ही पेश कर दिया मेरे दोस्तों चौधरी अकरम साहब सरकार ने मुहब्बत ना यह ही तक आया कि ऐसे बंदे ने शेर ना पेश करे कि जरा उन्होंने मुहब्बत का कायल नहीं है बाकी कोई बंदा उसका क्या लकुम दीन हुकुम फिर वलिया दीन तो सना अपना दीन और सड़ा अपना मर्जी मर्जी निकाले मर्जी ने सोते है लेकिन असा इस मुंह च नवाज आते हैं शेर मार ना कटा मुंह से भी नहीं देता नऊज बिल्ला जे उस मुंह पर दे शेर की कली आखा पूरा शेर तो पूरा निकाल मुंह से भी नहीं देता नऊज बिल्ला जे उस मुंह पर दे शेर की कली आखा ना कि नवी यकीन करो मैं दोबारा ना करना लेकिन मजबूरी बड़ी अगा शेर हेलो ਮਾਸ਼ਾ
जड़ी गल भाई साहब की इसे कोई शक नहीं। ठीक आतिश की ना पेश करना हजूर नहीं ना पेश करना चाहे को कातिल है दुश्मन है उसने पेश करता चाहे कोई कातिल प्या है लिखी उस हजूर नहीं नात है जड़ी मैं पढ़ना या था कोई गलत लिखी फिर मैं आखा यार गलत इस नाल मेरी कोई गलत नहीं उससे कोई फतवा लगा नहीं लगा इसका जवाब आतिश साहब खुद दे सकते मैं ना देना मैं गल की फतवा लगा मैं पेश करना पिया हजूर ताजदारे मदीना नी नात जिसने सदके नाल ये सारी कायनात हुई याद ये शेर में फिर गलत कोई इसने हजूर ताजदारे मदीना नी कोई इंसल्ट है तो मिगी दसो मेरी आतिश नाल कोई गल नहीं मैं शेर हजूर ताजदारे मदीना ने पेश करना पिया तुस जानो आतिश साहब जानो मेरी इसने कोई गल मैं कोई आतिश नहीं मशहूरगी ना करना पाया मैं हजूर ताजदारे मदीना नात पेश करना पाया और चाहे किसी लिखी सिखा शायरा ने दुर्गा कलाम पेश किए क्या क्यों ना हजूर ताजदारे मदीना नी मदा विच लिखिया उस माल के दोनों जहां नी शान विच लिखिया उप दुर्गा उन्हें सिखा ने भी पिछले पेश किए आतिश साहब कोई हिंदू या सिख नहीं फतवा जा तू सब लगा जाओ ना तुस जाना तो जाना मेरी इस नाल कोई गल नहीं तुस बारे भराओ तुस जाना वो माड़ी तुसा जी गल है वो गल मेरी तरफ जी तुसा नाल कोई गल है कोई ज्यादती है गलत किया वो पेश करो जे अगर बार सारे स्टेज अगर मालूम ना करा तो आख्या चल अगर मैं पुत्र ही नहीं लेकिन आतिश साहब की गल तुस आतिश साहब लगा तो मैं जे शेर पेश करना पाया सरकार ने फरमाया मेरे भाई है साढ़े बुजुर्गों की कदर करने उस्ताद मानने मैं इन्होंने ताबेदार हाँ अगर तो मेरे को इन्होंने हुई ये भाई साहब गवाए इस गल ने गवाए कि कुछ मेरे को गलतियां हुई और इन्होंने को मैं तोड़ इन्होंने घर जाए माफी मंगी शेरा मारे नहीं मेरे अंदर जमीर है मैं बेजमीर नहीं हूं ये भाई साहब बैठे मैंने गुरु तोड़ जाके माजरत की तारक आजम साहब मौजूद से इस बाद
انشاءاللہ سب تسوں تابیداری کرتا دشمنی مخالفت نہ کرتے دوی تسا جے اسا جڑی کیتی سی او تسا نال مکائی چھوڑی این دس باغ نہ کرنے تسا کرنے تسا نہیں مندی او وی برداشت کرسا اس تو بعد ایک گل کہ میں اے وعدہ کراں کہ ماڑے تو زیادہ مندا چوہدری اکرم نہ کسے نہیں ہو سکنا चौधरी अकरम साहब ने बारे च अगर गल करनी है किसा और शेरखान नाल के तुसा उन्हें मंदा करो जी शेरखानो जितने थे हो तुसा नक बनी सकना लेकिन मैं चौधरी अकरम पुत्र हां मेरे की तुसा ना समझाओ कि मंदा करो चौधरी अकरम ना मेरा बाप थी हो मैं खुद जानना मंदा किस रहा ठीक है तुसा एक कदर कर ना लियो चाह ना लियो मोहब्बत कर ना लियो लेकिन जेड़ा मंदा असा गया तुस नहीं होई सकता शायद तुसा के फन ने लिहाज बहुत ज्यादा असा तुसा ने इना जज्बात नहीं कदर करना तो सरकार ने फरमाया घर मादर करने से चला गया मैं कोई ज्यादा नहीं किसी से की फिर भी तुसाने घर मादर करने से चला गया क्योंकि मेरी तुसाने मोहब्बत सी जिसका सियाखा तुसा मेरे नाल पहले प्रोग्राम में ज्यादा की थी त्रीए रोज सही इखलास रोज मौजूद है ऐसा वो कृषि साहब रफाकत साहब भी मौजूद है पनियाली है वो शायद भी मौजूद है ज्यादा तुसा की घर तुसा एक उम्मीद में चला गया इस वास्ते कि शामिल मैं तो तू भराया असा लोगों की तमाशे ना दसी है असा दोवे की चौधरी अकरम ने इज्जत और अना नहीं खातर घट जाना चाहिए दुश्मन मैं तुसाने घर क्यों नहीं चला गया तुसा पर आसान नहीं है तुसा पर कोई आसान नहीं है यकीन करो तुसाने बुजुर्गों ने साढ़े पर आसान है और कीता सोनी नु सोनिया याद दाय मरना कौन कमीनी नु जानदा सी कीता सोनी नु सोनिया याद दाय मरना कौन कमीनी नु जानदा सी अगर तुसा माड़ी कदर करनी हो तो तुसी मेरे सिर ने साहिब हो मेरे दोस्तों बाकी रहा मामला मैं एक अर्ज करनी सी करी पड़ी एक अर्ज करनी सी अपने जज्बात का इजहार करना सा करी गुड़िया तुसा उसने पर अमल करो मौजा ना हना हया अल सलाह और नमाज की तरफ हया अल फला और फला की तरफ कोई अच्छा है तो उसने अपना फायदा है ना अच्छा तो उसने तो कोई नुकसान नहीं मौजा ना तुम्हारे दोस्तों इस तरह महसूस ना करे दोस्तों वो दसने को मौलवी साहब से आजान ना टाइम जिस लगाया तो उन्होंने कोई संगी आ गई वो बही के कक्षप करने ग्राने का बंदा आया तो मौलवी आखिया इस तरह करो बच्चों आजान दे छो टाइम जुड़ना गया उस आए जी बिग शहर मसने हर बंदा स्पीकर ने कह नहीं खलना वरना ये कमड़ा ये स्पीकर ऐसी चीज ही सामने मता कहना तो कमड़ा उस आए जी मौलवी साहब बिग शहर मसने दुआ बंदा आ रहा तो साहब बोलियो ना कह मेहरबानी करे जी टाइम घटना पे ध्यान दियो तो साहब जी प्लीज शर्म मसनी मोल भी रोज चढ़िया साहब शर्म मसनी जेड़े पंजे टाइम ही कुकने ने बर्दास्ता असन काम सी आजान देना चौधरी अकरम मोहम्मद गुजर रहमतुल्लाह तआला अलैह सरकार ने आना ने मारे एक आजान देनी सी असी दे दी एक निदा करनी सी असी कर दी हमें रास्ता अगे अब्दुल हमीद शमसी साहब सरकार नक्शे सरकार आने I know.
ਉਹ ਦੱਸਣੇ ਮੈਂ ਬਰਕੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਂ ਫਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅਮਨ ਨੇ ਦੌੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਠਾਨ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਾਬਲ ਗੌਰ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਨੌਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰੀ ਨਾਲ ਘਸਣੇ ਸੇ ਕੋਠੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸੀ ਉੱਠਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਠਾਨ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਲਾਸ਼ਨ ਕੋਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇੱਥਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਖੌਫ ਪਤਰਾਇਆ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਖਾਨ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਿਓ ਦਾਦਿਓ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਪੇੜ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਪੇੜ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਕਿਆ ਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ 150 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲੀ ਪਈ ਲੇਕਿਨ ਮਿਕੀ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਹੈ ਨਫਸੀ ਨਫਸੀ ਗੁਬਾਰ ਦਾ ਜਾਗੋ ਸੀ ਫੜੇ ਹਾਥੀ ਜੋ ਸਨਾ ਮਾਰ ਨਾ ਨੇ ਨਾਲ ਖੋਖ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਜਾਗੋ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਰ ਗਾਏ ਖੁਦਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਬਾਬੂਜੂ ਹੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਦੱਸ ਯਾਰਾ ਤੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਣਾ ਪੰਜੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਬਾਰ ਗਾਏ ਖੁਦਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਰ ਗਾਏ ਖੁਦਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੇਹਣ ਉੱਠਣਾ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੇਹਣ ਉੱਠਣਾ ਨਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਕੀ ਆਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਾੜੇ ਕੋ ਠੀਕ ਬਾੜੇ ਤਾਂ ਬਾੜੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ
ਬਰੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕੰਮੇ ਜਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਗਰੀਬ ਜਿਸਦਾ ਮੰਜੀ ਪਰ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋਣੇ ਫਿਰ ਜਾਣੇ ਕਿ ਤਾਣਾ ਦੇਣੀ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਰਹਿਣੇ ਪਾੜੇ ਔਲਾਦ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ ਉਹ ਮਾੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰੂ ਮਰੂ ਕਰਨਾ ਰਹੇ ਜਿਸਦਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਲੱਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਪੇਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਆਖਣੇ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਾ ਸਾਈਂ चौधरी मोहम्मद अकरम गुजर रहमत सरकार ने कदरा जहा बुला
काले की घोड़े पर और किसी घोड़े की काले पर कोई फजीलत नहीं है। हाँ अल्लाह की बारगाह जो ज्यादा मकबूल है बंदा जरा तक वेला है। पैतारू जी तुसा के अर्ज है कि कदा मेहमान चंद चाह करू बनवाई दिया करो। मैं करूँ अभी पानी पी गए फिर मैं तुसा ना मेहमान आया मिकी देने नो तो उल्टा माड़ी पी गए अल्लाह दे मैं करू बनवाई दा करी। हाँ जे चस्के लाने हो तब जेब नोट रखी ना एवं सुखियां ड्रामे नहीं होने ये माड़े नहीं सारी पी गया देने बच्चा बंद किया साड़ा नहीं फिर त्रीया केड़ा आया जा बड़ा बड़ा करना सरकार आने
एक शेर सरकार कुरैशी अनवर साहब ना माजरत नाल भाई साहब पेश करी चुके, लेकिन वो भाई साहब ने फरमाइश थी अगर जारी खिलाड़ी को मैं दूसरा करो तो मेहरबानी तो सही आए थी। तो सरकार ने फरमाया सरकार बिल्डोजर से रात बिल्डोजर थे हो क्या कर रहे हो जी चलो और तो सारी मर्जी जो मर्जी पे आखो ना मैं कह दिया फिर बर्दाश्त कर दो क्या हाल है जी हाजी बर्दाश्त करता हूं इंशाल्लाह। सरकार ने आख्या मेरे भाई चौधरी मम्मा दादा साहब डेरा कल्याल बेवल आल मकीम यूके लंदन उन्होंने पसंद से शेर है कोई सारा शर्त मुकाबला नहीं है। ते सरकार ने फरमाया चलो ठीक है आला सारे नवे कानून चलाने पुराने है जी कमली वाले करना होना के मेरे नालों आर्श इरफान भरा बेहतर है अगर सब नालों नीच समझो कम तर समझो तो साक्षार की सब भरा मेरे नालों बेहतर है आवाज नाल गान नाल सुर गुर नाल हर गल नाल मेरे को बेहतर है मैनू भी किसी चीज ना फकर था। सरकार राजे राजन साहब ने शेर निकली थी गर्दशे फलक वड्याई केड़ी जे तू ना सिके में कमान मेरी फखर मैनू भी किसी की बार गाता जिथू मुश्किल आ रही आसान मेरी केड़ा पीर गया जो तू मारिया नहीं पर नहीं घूमी वजूद तू जान मेरी रबू उसने अगर जवान काफी दिता दोख की उम्र जवान मेरी वो फखर भी है तो कहड़िया गल के ये तीन बंदे बुजुर्गों ने साथ मेरे नाल है और एक इस चीज ना बहुत फखर है क्या भी था है भी है रहसी भी वो कहना कि मैं चौधरी करूंगा पुत्र
ਕਿ ਫਖਰ ਹੈ ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਮਲਕ ਫੜਕਾ ਦੇ ਸੀ
एक दो शेर मार का करबला दे पेश करता ते साडे नाल बड़े बुजुर्ग शेर साहब बाबा नजीब आलम साहब भी मौजूद है। मेरे दोस्तों इन्होंने फरमाइश है कि दो शेर में भी पढ़ना चाहा असी दो शेर मार का करबला बतौरे हल तो फिर दोस्तों तुसा गुरु इजाजत भी चाहता काफी देर तू राय साहब फरमा रहे कि मैं जाना चाहना तो मेरे दोस्तों असर काफी देर तू निकवा लिया तो फिर जा रहा है भी आजाद होने भी चले किसी का भी घर तो सरकार है
ਸਾਮੀ ਮਰਾਲਿਆ ਸਾੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਰਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਗਏ ਹੋ। ਅਸਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਆ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਅਸਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਣਾ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਰਾਜ਼ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸਦੀ ਅਸਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਭ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ 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 ਘਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਫੱਕੀ ਜਾਇਆ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਅਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ। ਸਰਕਾਰ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣੇ ਉਹ ਮਾਲ ਕੇ ਮਾਂ ਜੋ ਛਾੜ ਦੇ ਹਾਲ ਮਾਤਾਰ ਆ
असा नहीं बल्कि कोई भी बंदा गाण आला चाहे वो किसी भी फन नाल तलक रखा एक शेर वाले फन नाल नहीं चाहे किसी भी फन नाल तलक रखने वाला उसनी अगर को वैल्यू वकार इज्जत मकाम कोई जा तो आवाम नाल वो तुसा दुर्गा भरा दोस्तों रला जरा अपना कीमती टाइम कटी लाए हो अगर तुस नाचो सारी के रीजन से सारा तेरा मकाम है तुसाए तो शेर सुनाने जिले तुस सारे उठी चले भी जवासा कुर्सियां कि शेर नहीं सुनाने क्या हाल है राय साहब इस तरह से गल है ना इस हस्ती ना भी बेहद असा मशहूर आ कि ना साढ़े इस पिंड नाल की बहुत इज्जत अफजाई असा की दी और इतना इस पिंड की रौनक बने तो सब जरूर परा दो सी उस बात सरकार ने सब माया रब कवे जनन मांगे रब कवे जनन मांगे एक कदमा ओ चले सब बने कर कोई करारिया की बस बुझिएगा
ਵਾਸਤੇ ਜੀਰਾ ਕੋਰ ਸ਼ੇਰ ਸਰਕਾਰ ਸਦਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਆਣੇ ਉਹ ਚੁੱਪੀ
जानकी ते तो साफ दुर्गा प्रादर्शन बोलो अस्त दो इतराज़ आता।
सरकार ने फरमाया
एक शेर सरकार साईं महफूज साहब ने आया वो पेश कर सा, उस बाद आखिरी शेर वाकया करबला दिया सरकार साईं महफूज साहब इतना फरमाने मैं उस अपने महबूब ने वादे ना सूरज डुबना तकिया क्या होया कि इधर मेरी जिंदगानी नहीं जारी शाम थी वो ही टली आई लेकिन ना वो आप ना उसका पैगाम कोई तो कहना महबूब कि जिसनी याद आ रहा पल आ रहा दम सुल्तान वास्ते आई सरकार ने क्या
हस्ते वायदा आखिरी शेर वाकया कर वो बुला दे भाई साहब नाल और उस बाद इंशाल्लाह जा जासा अगर जिंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह अगर तो सौ प्राप्त होगा तो सारी अल्लाह से या भी जाए और तरक्की दे और इंशाल्लाह सब प्राप्त जिंदा रहे तो इंदा मैं फलस नाले रहा तो एक शेर वाक्य कर वो बुला दे तो उस बाद दस बस इजाजत अगर किसी बुजुर्ग भरा दोस्त साढ़े भाई खान साहब ने दिल आजारी वह तो बेहतर होना कि इतना ही खत्म हो जाए तो सरकार ने फरमाया कोई आसमान गुस्ताखी हो गई उन्होंने बर्माजरत करना मेरे दोस्तों इंसान ने कोई इज्जत कमानी होनी बल्कि और वधना उसने कहा अगर सारी वजह से भी किसी बंदे की दिलादारी हुई तो मेरे दोस्तों फीस भी नहीं ला सकी माफ करे असवे वादा साढ़े बुजुर्ग आए बाबा नजीब आदम साहब कलर सैदान सितार मेकर भी है शेर मेरे दोस्तों एक दो तुसा के सुना सन इन बुजुर्गों ने दो शेर सुनो फिर उसने बाद तुसा को इजाजत चासा तुसा अपने घर चले के चासा मेरी 76 साल उम्र है अल्लाह ताला जिंदगी करे अकरम रहम की उन्होंने नाल मेरे को ना की थी बाद दफा जितने भी शेरखानी में गुना ने 25 साल में शेरखानी की है ये साल मारे थन बढ़ती हूँ मैं सारा बनाना बाद जितने बढ़ती अच्छा हूँ मैं सारा बनाना बुढ़ा आदमी है बारह इश्क जैसे हमारी चाहता है ये कोई आवाज
جواب ایک ویلے یا کہ کوئی غلطی ہو گئی تو کیتا دینا کہ شیر تے چند پر سا موت پہلا شیر تے بلی نا اے نکرا ہے بھائی انہاں تھوڑا جا وہ دی پران دا اس طرح Thank you.
ਸ੍ਰੀ ਅਤਸ਼ਾਮ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਨੇ।